मुझे डर है कि कूफे वाले मुस्लिम के दौर की तरह सिक्कों की लालच में मुख्तार को अकेला ना छोड़ दें। थोड़ा सब्र से काम लो नारिया, जरा अच्छी बातें भी सोचा करो। तुम उलट क्यों नहीं सोचती? क्या पता कूफे वाले हजरत मुस्लिम के वाक़े से शर्मिंदा हूँ और अपनी खयानत की तलाफी करना चाहते हूँ। खुशफहमी है, जंग हो गई तो सब बिलों में छुप जाएंगे। मुख्तार को जरा सी भी समझ होगी तो कूफियों से अपने आप को बचा लेगा। नारिया, मुख्तार के पास अजम भी है। अरब के तमाम बासर कबाइल ने कूफे की नाकाबंदी कर दी है, क्या मुख्तार मुट्ठी भर कमजोर अजमों के साथ इनका मुकाबला कर सकेगा? इब्राहिम अश्तर और उसका कबीला शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़े हैं। ये सारी आग अश्तर और उनके बेटे की कब्र से उठ रही है, उसी की वजह से जंग का आगाज हुआ है। आ गए, हमारे शेर आ गए, उनका लश्कर कूफे में आ गया। किससे सुना तुमने? मैंने सुना नहीं है बानो, अपनी आँखों से देखा है। इंसान के पीछे इंसान, सबके पीछे सब, लश्कर का एक सिरा दरवाजे कूफा पर और दूसरा सिरा बाग ज़ाहिदा पर। क्या रोब दबदबा है, कूफा अपने बहादुरों के कदमों तले थर थरा रहा है। अगर अपने कानों को जमीन पर रखेंगे तो कदमों की आवाज आएगी। एक बात तो बताओ, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसने अपने कबीले की औरतों को लेकर उमर साहब को पत्थर मारे थे? जी हाँ मानो, मैं वही हूँ। ऐसा काम किया कि उमर शर्म के मारे सर ना उठा सके। हमने उसे घर में बैठने पर मजबूर कर दिया ताकि मुख्तार का बोझ हल्का हो जाए। ये लीजिए बानो, ये उसी लश्कर का ऊँट है जिसने इब्ने मरजाना की शातराना चाल का साथ दिया और माँ का यतीम मुस्लिम मारा गया। शक नहीं कि ये यहाँ भी मुख्तार का काम खराब करने आई है। तुम्हारी जबान की तलखी शिमर की तलवार से कम जहरीली नहीं है नारिया, क्यों उसे मुस्तकिल ढोंगे मार रही हो? उमरा बानो, आपकी सौकन को हक पहुँचता है कि मुझे तंस मारे। मुझ कमबख्त ने हजरत मुस्लिम के मौके पर वो गुनाह किया था कि अब तक उस पर कुढ़ रही हूँ और चल रही हूँ। मेरा शोहर तो तवाब बन गया और अनुवर्ता में शहीद हो गया। मैं नसीब की मार जमाने की इबरत बनकर जिंदा रह गई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो? हम सब धोखा खा सकते हैं और गुनाह कर सकते हैं, शैतान का काम भी यही है, तौबा जहाद का दर्जा रखता है। तुमने अच्छा किया हमें आकर खबर दी, हम तुम्हारी मजीद अच्छी खबरों का इंतजार करेंगे। माफ कीजिएगा उमरा बीबी, आपकी बदअखलाक सौकन की बहुत ही जहरीली जबान है, ध्यान रखिएगा कि उमर साद की कमी को पूरा न कर दे। हम औरतें शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़ी हैं। अब्दुर्रहमान, तीरंदाजों को देख रहे हो? हाँ, देख लिया था मैंने। इन्हें खत्म करना तुम्हारा काम है। अपने तीरंदाजों को ढालों के हिसार में छुपाओ और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पूरी तवज्जो दुश्मन के तीरंदाजों पर होनी चाहिए, जैसे वो तीर मारने के लिए उठे उन्हें मार दो।
खुज़ैमा, तुम 100 घुड़सवारों को उठाओ और उनके घुड़सवारों को टिका दो। 100 घुड़सवार कम नहीं होंगे इब्राहिम, हमारे पास 300 घुड़सवार है। मैदान बहुत छोटा है खुज़ैमा, सबके सब चल पड़े तो दरो दीवार से टकरा जाओगे। मुझे डर है कि तुम लोग फंस ना जाओ। अब्दुल्ला, खुज़ैमा के 100 घुड़सवारों के अलावा बाकी घुड़सवार घोड़ों से उतर जाएं। डरो मत हुस्न की मलका, तुम्हें खुदा की कसम में तुम सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ मारिया, आपके बिल्कुल बराबर वाली पड़ोसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो औरत, और ये कैसा अजीब सा हुलिया बनाकर घूम रही हो? शिम्र के सिपाहियों जैसी लग रही हूँ ना? तुम्हारा प्यारा शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, तुम शिम्र के जैसी हो गई हो ताकि उसका साथ दे सको। नारिया, तुम वाकई बेवकूफ हो या लोगों को बेवकूफ बनाती हो? बकवास बंद, मैंने पूछा मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है शहजादी, ये पयाम का घर है। दिन दहाड़े सितारे दिख रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई घटिया औरत, तुम्हारा कियाम से क्या वास्ता? ज्यादा शोर मत करो बाजार की मक्खी, मैं बर्दाश्त का मादा नहीं रखती, जो मुझे डंक मारती है वो बहुत पछताती है। वाकई ज्यादा बोल रही हो टिड्डी, लगता है तुमने अपने से ज्यादा भारी नहीं देखी। उम्रा बीबी, आप हमारे बीच फैसला कीजिए, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझते, जब भी टकराते हैं एक भौ भौ करता है, एक म्याऊं म्याऊं। जाहिर है जो भी तुम्हें सूलिए में देखेगा उसका रंग बदल जाएगा, थोड़े से धब्बे भी अपने चेहरे पर लगा लेती तो शिमर और तुम्हें कोई फर्क न रहता। मैं क्या करती, मैं सिर्फ इसी लिबास में कियान का पैगाम अपने शोहर तक पहुँचा सकती थी। अच्छा अच्छा, इससे पहले कि कोई शर खड़ा हो जाए, जाओ अपने कपड़े बदल लो, जाओ। नारिया, मैं मारिया हूँ, मैंने तुम्हें डराया, माफ करना डरपोक बुढ़िया। क्या तुम्हें मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं? फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर यूं ही चलता रहा तो शायद पागल भी हो जाऊं। यह हो क्या रहा है, ये आफत हमारे घर में क्या कर रही थी? मारिया, कल तक आफत जरूर थी नारिया, मगर आज वो और उसका शोहर कयाम के खास तरफदारों में से हैं। पहले ही हालात बड़े सुहाने थे जो इंजे से लोग भी आ मिले। इस औरत का शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, और इसकी बीवी भी खबीस तरीन औरतों में से है। ये हुनर है कयाम है, गलत लोगों को भी मुतीउ फरमाबरदार बना देता है। क्या मुख्तार मजबूर है शिमर से जंग के लिए, उसे भी अपने हुनर से इंसान नहीं बना देता? हुनर कयाम से वो इंसान बन सकता है जिसके हाथ खूने हुसैन में रंगे हुए ना हों, इब्ने हुर की तरह, जो मारिया का शौहर है। इब्ने हुर हुरमरा का दोस्त जरूर था, मगर वो करबला में नहीं था। जी हाँ, ये औरत और उसका शौहर क्या करना चाहते हैं? कियान का क्या पैगाम था? वो कियान के हंगामी हमला आवरों के गुरु का सरदार है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये लोग शिमर के सिपाहियों के लिबास में उनके तीर अंदाजों के दरमियान घुस कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
मेरे साथियों, इनकी तादाद से मत घबराना, जो कि सिर्फ कुछ डरपोक और बुजदिल लोग हैं। तुम्हारा एक मर्द उनके 10 मर्दों पर भारी है। शिकार हो गया, अब हमें भाग जाना चाहिए। गुरु हमले करने होंगे, उन्हें कदम बकदम पीछे धकेलना होगा ताकि घुड़सवारों को रास्ता खुले। अहमद तुम हमला करो। Thank you.
सब लोग भाग चलो। नाइम शहीद हो गया। सवारों को वापस भेजो साहब। जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बाजार में मछली बेचने से थक गए थे जो हंगामा आराई करने लगे। तुम्हारे आका ने तुम्हें इसलिए आजाद किया कि उस पर तलवार उठा लो नमक हराम। ये जाओ फौरन इसका सर उड़ा दो। तुम अपनी माँ के नाजायज बेटे हो शबस। अगर ऐसा ना करते तो तुम शबस ना होते। मलाऊन जो अहलियत रसूल अल्लाह के कैदियों पर रहम ना करे वो एक आजाद किए हुए गुलाम पर क्या रहम करे। अमीर पानी क्यों नहीं पी रहे बिन कामिल? मेरे ख्याल से रोजा होगा उनका। रोजा? वो भी इस जंग के मौके पर? अगर रोजा न रखते तो बेहतर होता ना। बिन कुदैश, अबू इसहाक को क्या करना है वो हमसे बेहतर समझता है। बेहतर होगा तुम्हारी ये खबर ना फैले अबू सईद। बिन कामिल, जी अमीर। फौजों को रवाना होने का हुक्म दो। हमें जल्द से जल्द बिन अनस के पास पहुंचना होगा। कुछ हुआ है क्या? बज़ाहिर बिन अनस किसी मुश्किल में है। कियान कहाँ? यहीं कहीं होगा। उसे बुलाकर लाओ। फौरन इब्राहिम को यह खबर पहुंचानी होगी। जी अमीर।
तुम आ गए शिम्र? शेर बने या लोमड़ी? हम चंद बुजदिल गीदड़ों को लेकर भेड़िए के मुकाबले को गए थे। जरा से हमले में डर के फरार कर जाते हैं। हैफ उन तलवारों पर जो इन डरपोक लोगों के हाथों में है। तो तुम भी चंद हंगामा आराई करने वालों से मगलूब हो गए? दुश्मन इन बातों से काफी ज्यादा ताकतवर है अमीर, उसे बहुत मामूली समझ लिया है आपने। तुम लोगों की तादाद दुश्मन से 3 गुना ज्यादा है शिम्र। तुम लोग अरब के मशहूर और बहादुर जंगजू हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि चंद गुलामों के मुकाबले पर इस तरह आजजी का इजहार कर रहे हो? अमीर, मुख्तार के साथियों ने हमारे रूप धार लिए हैं। छतों पर मुकर्रर तीर अंदाजों ने 1 तीर भी नहीं चलाया। जानते हैं क्यों? मुख्तार के आदमी हमारे लिबास में उनमें शामिल थे और उन्हें मार भगाया। शबस की भी मिली जुली कैफियत होगी, वो क्यों मगलूब नहीं हुआ दुश्मन के आगे? वाकई शबस ने मुकाबला कर लिया? शबस ने मुकाबला किया है, उसने दुश्मन को मार भगाया। शाबाश है उस पर। राशिद ने क्या किया? राशिद बाप का दुख झेल ना सका, गया अपने बाप के पास। मारा गया? हाँ, मगर एक जबरदस्त जंग लड़ने के बाद। अगर मेरे पास राशिद और अयाज जैसे 10 सिपा सलार होते तो मैं मुख्तार को मक्खी की तरह मसल के रख देता। बेशक ये बाप बेटे वफादार सिपा सालार थे। यानी हम वफादार नहीं हैं? बेवफाई दिखा रहे हैं अमीर। हमें भी राशिद और उसके बाप की तरह मर जाना चाहिए था कि हमारी वफा साबित हो जाए। मैं माफी चाहता हूँ, ये इन बहस मुबाहिसात का वक्त नहीं है। शबस ने दिखा दिया कि मुख्तार को हराना नामुमकिन नहीं। हम एक इज्तिमाई अज़्म के साथ मुख्तार की कमर तोड़ सकते हैं। तोड़ दो, तोड़ दो, अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, वरना वो तुम लोगों की कमर तोड़ देगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। ये सब क्या है? झूठ है? इस बेचारे के साथ क्या किया है? उमरा बीबी, ये खबीस शबस का जासूस है, यहाँ भटक रहा था कि मोहल्ले की खबरें पहुँचा सके। ये झूठ है, खुदा रसूल की कसम ये झूठ है। अरे अरे दीदा दिलेरी तो देखो, अभी मैंने इसका मुंह खुलवाया था। शबस मुख्तार के मोहल्ले पर हमला करना चाहता है। इस ढांचे को उसने भेजा है ताकि मोहल्ले को आग लगवाने में उनकी मदद करे। इसकी हुलिये से नहीं लगता कि ये जासूसी के लिए कोई काबिल आदमी होगा। उसने खास तौर पर इस ढांचे को भेजा है ताकि हमें धोखा दे सके। बताओ कितने काले सिक्कों पर बिके हो बदबख्त कहीं के? आप लोग जिस किसी को भी मानते हैं उसकी कसम ये झूठ है, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। नहीं, इसे प्यार की जबान समझ नहीं आएगी। लाल कोयलों से इसकी आंखें जलाएंगे तो इसकी जबान खुल जाएगी। एक कोयला लाना जरा। अच्छा बस करो, इस बेचारे को मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम किस गुरु की हो? मैं साहिब इब्ने मालिक के जनाना दस्ते की औरतों में से हूँ बानो। फौरन साहिब के पास जाओ और उसे बता दो कि शबस का ये इरादा है, जल्दी। जी अच्छा बानो, लेकिन आप इस दुमकटे को रिहा मत कीजिएगा। शबस बहुत चालाक है, उसके हीले और धोखे कमर तोड़ हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। चलो आओ। खुदा किसी काफिर को भी औरतों का कैदी ना बनाए। खुदा की कसम बानो, मैं बेगुनाह हूँ, खामखा मुझ पे शक किया जा रहा है। खामोश हो जाओ, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसे थोड़ा पानी दो, डरा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? हम पर पीछे से हमला हो गया है, उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है। बिन कामिल, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसी आराइश है? हम पर पीछे से हमला हो गया है अबू साहब, उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है, हमें घेर लिया गया है।
पीछे का रास्ता खोल दो, अपनी फौजों को पीछे ले जाओ। ये अमीर ज्ञान ज्ञान फौरन इब्राहिम के पास पहुंचो, उसे कहो दारुल हुकूमत के मैदान की तरफ ना जाए। बिन हजार जुबैरी ने हम पर पीछे से हमला कर दिया है, इब्राहिम उसके पीछे से उस पर हमला करे। मतलब हम चारों तरफ से दुश्मन होंगे, बहुत बुरा शुभ हालात हैं। साहिब, उनके प्यादे तुम्हारे लिए, मैं इनके घुड़सवारों से निमटता हूं। सारे घुड़सवार उतर जाएं। बेटे किसी खून का बदला ले रहे हो या मेरे और तुम्हारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? इस मौके को याद रखना बुजदिल, अगर तुम में गैरत है तो जाओ और हमारी बहादुरी के किस्से सुनाओ, जाओ। इब्राहिम। हाँ, क्या ताजा खबरें हैं कियान? मलून शबस अब तक जिंदा है क्या? अबू इसहाक दुश्मनों में गिर गया इब्राहिम, बिन हज्जाज जुबैदी ने पीछे से हमला कर दिया है। अबू इसहाक ने पैगाम भिजवाया कि तुम पीछे से हिसार को तोड़ो। बेटा पीछे से हमारी तरफ आ रहा है। बकवास मत करो, नूफिल और शिमर ने अश्तर के बेटे का रास्ता रोका हुआ है। सब भाग गए हैं सरदार, सब फरार हो चुके हैं।
चाहिए, मजीद आगे मत जाइए, वापस आ जाओ, असल दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम आ गया। बिन कामिल, जी अमीर। बिन कामिल, पिछला रास्ता भी खाली ना करना, पता तो यह है कि हम दुश्मन को घेर लें, कहो सब वापस आ जाए। जी अमीर। बिन अनस, तुम भी उस तरफ से जाकर घेर लो, भागना चाहें तो पीछा मत करना, भागने देना, हम शबस की तरफ जा रहे हैं, जाओ। क्या हुआ जिलजोशन के बेटे, फिर भाग निकले? तुम ही बता दो नौफिल, अगर मैं बात करूंगा तो फिर बेवफाई का इल्जाम ही लग जाएगा मुझ पर। कोई फायदा नहीं अमीर, जब तक अश्तर का बेटा है कोई भी मखलूक उनका सामना नहीं कर सकती। थोड़ा सा डट कर मुकाबला करते और अश्तर के बेटे का रास्ता रोक लेते तो मुख्तार का काम तमाम हो जाता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो शबस, अगर अश्तर के बेटे से लड़ना आसान होता तो ये काम तुम पहले खुद ही कर चुके होते। लानत करे तुम पर पिसारे साथ, अगर तुम मैदान में होते तो हम इस मुसीबत से हरगिज दोचार ना होते। तरह खामोश खड़े रहे, टिकटिकी बांध कर एक दूसरे को देखते रहे। खामोश बस, खामोश। मुझे आप लोगों की बोसी रस्सी पर भरोसा करके इस कुएं में नहीं उतरना चाहिए था। मुझे उसी दोस्ताना सियासत के सहारे मुख्तार से निमट लेना चाहिए था। यह भंवर
قاتلانِ حسین سے دوستی کا نتیجہ ہے۔ سن لو اعلان، نہ ہو لرزام مت ہو پریشان، کہ بحکم قرآن خلوص و ایمان کے ساتھ جو انسان توبہ کر لے اور ہو پشیمان تو خدا سبحان بخشے گا اس کے گناہان۔ اے خوف زدہ انسان نہ ہو حیران، بیعت کرو اسی آن۔ اس حکم کے ساتھ قصاص قاتلان حسین کیسے ہوگا؟ یہ ایک اجتماعی بخشش کا حکم ہے رفاہا، قاتلان حسین کا معاملہ الگ ہے۔ خدا کرے ایسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔ شک مت کرو، ابو صاحب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بخشش کا حکم ہماری حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حکومت؟ ہاں، حکومت شیعان علی۔ حکومت ہماری؟ آپ بہت اچھے امیر، کاش میں بھی ایاز و راشد کی طرح آپ پر جان قربان کر دیتا اور یہ رات نہ دیکھتا۔ خدا کی قسم، اگر ابھی بھی مجھے پتا چل جائے کہ میری جان آپ کو بچا سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کروں گا۔ میرے جیسے لوگ لہروں کی دوش پر رہتے ہیں ابا قط۔ کاش آپ شمر و شبس جیسوں پر بھروسہ نہ کرتے۔ ان لوگوں نے اپنی بے قدر و قیمت جانوں کے ڈر سے آپ کو مختار کے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ میری مانیے تو امیر، ابھی بھی ان پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ لوگ اگر آپ کا ٹھکانہ جان لیں، مختار کے آگے خود کو میٹھا ثابت کرنے کے لیے آپ کو آگے کر دیں گے۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا مخلص نہیں بچا۔ شبس کتے کی طرح سراغ میں لگا ہوا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں محل سے کب نکلوں گا اور کہاں جاؤں گا۔ اب تک میں نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا ہے۔ اچھا کیا آپ نے۔ اگر یہ لوگ یہ جان لے کہ آپ کب محل سے نکل رہے ہیں تو کچھ ایسا کر دیں گے کہ آپ چھپنے کے مقام پر پہنچنے سے پہلے بختار کے آدمی ہاتھ لگ جائیں۔ آپ کو اس طرح جانا ہوگا کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ آپ کب گئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ صرف تم میرے ساتھ آؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ سپاہی بھی ہمیں دیکھیں۔ سپاہی تو آپ کو ہر حال میں دیکھ ہی لیں گے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ مثلاً کیا کریں؟ زنانہ لباس بہتر رہے گا۔ سر حوصلہ رکھیے، زنانہ لباس بہتر رہے گا۔
अमीर कहाँ है अबा खुद? अभी आता हूँ, जरा हौसला रखिए, आइए मेरे साथ। क्या बात है अबा खुद? खैरियत? आखिरकार अमीर क्या करना चाहते हैं? तीन दिन से हम घेराव में हैं, अनकरीब खाना वगैरह भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक दूसरे का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, ये नौबत नहीं आएगी। आइए। इस आदमी ने हमें धोखा दे दिया। कैसा धोखा? उसे जाना था, वो चला गया बगैर बताए क्यों गया? अगर बता देता तो तुम क्या कर लेते? मैं भी जाना चाहता था। ठीक है तो फिर जाओ, रास्ता खुला है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। हाँ चला जाऊंगा। तुम समझते हो कि मुख्तार के आगे घुटने टेप कर सर झुका के इल्तिमास करूंगा? तुम भी अगर सरे तस्लीम खम करना चाहते हो तो गलती पर हो, मुख्तार तुम्हारी बैत हरगिज कबूल नहीं करेगा। मैं वादा ले लूंगा, अगर मुख्तार अपने वादे को तोड़ेगा तो फिर हुकूमत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, ये अमान सिर्फ मसलहत का खेल है। तुम भी हमारे साथ की तरह खाम ख्याली में हो शबस। अरे ओ अबा खुद, कहां चला गया? इतनी देर की, इतनी मोहलत दी कि जितने लोग भागना चाहते थे भाग गए। तुम्हारा मकसद क्या है रुफा? बिन मुती, बिन हज्जाज, शिमर, नूफिल सब भाग गए। हमें उसी रोज अव्वल इस मकड़ी के चाले पर हमला करके सितमकारों का खाना खराब कर देना चाहिए था। अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है रुफा, इतनी जल्दी फैसला मत करो। Thank you.
बहुत खूब इराक के शहंशाह, ये नफीस तख्त ताज तुम्हें मुबारक हो। जब इस पर बैठोगे तो समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं है, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं। या दलील अल-मुत्तकीन। अबू मुफलिस, ये तख्त यहां से हटा दो। माफी चाहता हूं अमीर, आपके खादिमों ने बड़ी मेहनत करके महल के आदाब के मुताबिक तख्त को सजाया है। कोई ऐब वगैरह है क्या इसमें? बेऐब होना ही इसका ऐब है। इसे हटवा कर एक सादा सी कुर्सी रखवा दीजिए। हर सवारी का पालान उसके शायान शान होना चाहिए अबू इसहाक। इस खूबसूरत महल में तख्त के बजाय एक सादा कुर्सी रखवाना मुनासिब जोड़ नहीं है। इस तख्त का जलवा अखलाक और किरदार को बदल देता है इब्राहिम। हमें तख्त पर सवार होना है या तख्त को हम पर सवार होना चाहिए? इस महल में हमारी सादगी कोई नामुनासिब जोड़ नहीं है। इस खूबसूरत महल की रौनक हमारी सादगी के आगे एक नामुनासिब जोड़ है। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का बच्चा जब चलना सीख जाएगा, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर एक सादा से मकान में अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तय ये पाया था कि हमारी हुकूमत में मौला अली की रंगोबू होनी चाहिए। इब्राहिम, क्या ये हैफ नहीं कि अबू इसहाक उस तख्त पर बैठे जिससे इब्ने मरजाना की बू आती हो? मुझे जवाब मिल गया हीरानी भाई। लोग कई सालों के बाद वो खुतबे सुनना चाहते हैं जिनमें अली की खुशबू हो। बहुत बड़ा बोझ है मेरे कंधों पर, मौला अली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। जनाब अजीज, इस तख्त को खजाने में जमा करवा दीजिए और इसकी जगह एक लकड़ी की सादा सी कुर्सी रख दीजिए जिसमें ये सारे जर्क बर्क ना हो। अमीर मुख्तार मस्नूई आराइश और खुशामत पसंद नहीं है। बखुदा हैफ है, इस तख्त की जगह जो चीज भी रखी जाए इस जगह की तौहीन है। फर्ज कीजिए कि ये तख्त इन सुतूनों और दरवाजों की तरह है। यकीनन कल को हुक्म हो जाएगा कि इन बड़े बड़े दरवाजों को तोड़कर तबेले का दरवाजा लगा दो। माफ कीजिएगा, आपका इसमें गिरामी? आपका नौकर अबू मुफलिस इब्ने मुहर्रिर। अबू मुफलिस, अगर पहले की तरह महल के खुशामदी रहना चाहते हो तो बातें मत घुमाओ। अगर अमीर मस्जिद से आए और ये तख्त यहाँ नजर आया तो तख्त और उसके खुदामों को एक साथ तोड़ दें। जैसी अमीर की ख्वाहिश, इस तख्त को बदलना अदल और इंसाफ के बरखिलाफ है। ये तख्त किसी और जगह काम भी नहीं आ सकता, हुकूमती खजाने का सरमाया है। अगर इसे रख दिया जाए तो इसकी लकड़ियों को दीमक खा जाएगी, इसे खराब कर देगी। आखिर अमीर इतनी सारी खूबसूरतियों के बीच तख्त से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये तख्त नहीं है अबू मुफलिस, एक ऐसी मसनद है जो अमीर की कब्र का अजाब बन सकती है। Thank you.
तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जो दरियाओं, पहाड़ों और दरख्तों का बनाने वाला है और चांद, सूरज, सितारों और आसमानों का खालिक है। खुदा जिसने शब रोज को मुकर्रर फरमाया और परिंदों, चरिंदों, चारपायों और वहूश को इंसान की खिदमत पर मामूर फरमाया और अपनी नेमतों को पानी, मिट्टी और सब्जे के दिल में पोशीदा किया ताकि हम काश्त करके खाएं और उसका शुक्र अदा करें। ये सब उस खुदावंद वाहिद की काबिल कदर निशानियां हैं जिसका कोई शरीक नहीं और वो खालिक आलम नामरई है, आलम मलकूत से आलम गैब व बरज़ख व दोज़ख और जन्नत तक, और वही मालिक यौमुल हश्र और यौमुल हिसाब और यौमुल जज़ा है। और तारीफ उस खुदा की जिसने इंसान की हिदायत के लिए आदम अबुल बशर से रसूल खातम तक रसूलों को भेजा और इंसान से गुफ्तगू फरमाई बजरिया जबूर दाऊद, तौरात मूसा और इंजील ईसा के जरिए से, और नाजिल किया बलीग तरीन, फसीह तरीन, कामिल तरीन और सबसे आसान किताब को जनाब सैयदुल मुरसलीन हजरत मुस्तफा सलवातुल्लाह अलैह पर ताकि बनी बशर पर हुज्जत तमाम हो जाए। और खुदा ने रसूल खातम के अहले बैत को उम्मत के औलिया, सुलहा और मुकर्रबीन में से करार दिया ताकि उनकी रहलत के बाद मशाल हिदायत हों और कुरान की तफसीर करें ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए। और अली ने कुरान का बातिन और उसके असरार रसूल खुदा से सीखे, और अली के बाद ये गिरां कदर मीरास हसनैन तक पहुंची क्योंकि पयाम्बर के पास इतरत और सुन्नत के अलावा कोई मीरास नहीं थी। और हाय अफसोस के शयातीन ने उम्मत सैयद को गुमराह किया और उनके अहले बैत की हुरमत को पामाल किया और उनके फर्जंद का मक्तल में सर काट दिया और फर्जंदे जहराए मरजिया पर सितम किया। और तारीफ उस खुदा की जिसने हमें शयातीन, गासिबों और बदकारों से इंतकाम पर खड़ा किया और हमें दुश्मनान ने खुदा और दीन और अहले बैत पर मुसल्लत कर दिया कि खुदा का वादा हतमी और यकीनी है। ऐ लोगों, अब हम रह गए हैं और हमारे मरने वालों का ढेर जिन्होंने बहुक्म खुदा इताअत की और अपने खून को अहले बैत रसूल पर कुर्बान कर दिया और मलकूत में अपना घर बना लिया और हमारे आमाल पर हाजिर और नाजिर हो गए हैं और इस इंतजार में हैं कि हम जमीन पर अदालत और इंसाफ फैलाएं। ऐ लोगों, अब हम हैं और दो गुमराह करने वाले गिरोह हैं जो हीलागर, शोबदेबाज और मक्कार हैं और रसूल खुदा की जगह पर ना हक कब्जा करके बैठे हुए हैं और दीन के नाम पर हम पर जुल्म करते हैं और हमें कत्ल कर देते हैं। सुनो लोगों, आप लोग अहले हिदायत थे और अब खुदा ने आपके हाथों हिदायत का एक परचम लहराया है कि जिसे अगर बचा लें तो आप कामयाब हैं। कसम है नून वल कलम की, जो परचम आज हमने कूफा में लहराया है उसे अनकरीब हिजाज के कोहे इसम की चोटी पर और जी सलम की जमीनों में अरब और अजम के दरमियान लहरा कर रहेंगे। कसम है काबा की जो खाना अमन है कि हम गासिबों, हक का गला घोटने वालों और जबरदस्ती करने वालों को जिल्लत और तबाही तक पहुंचाएंगे। ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, ऐ खुदा के मुखलिस बंदों, अगर मुझे अपना अमानतदार जानते हैं तो मुझसे कुरान, सुन्नत पयाम्बर, तरीकत अली इब्न अबी तालिब और कातिलान अहले बैत रसूल के किसास के बिना पर बैत कीजिए। कमजोर और मजलूम लोगों के हक दिलाने में
मेरी मदद कीजिए कि खुदावंद आलम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा। खुदा की कसम मैंने अली की बैत के बाद से अब तक इससे ज्यादा शीरी बैत नहीं की थी मुख्तार। खुदा हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छी सी बुढ़िया, ऐ प्यारी सी बुढ़िया, दाढ़ी, ये दाढ़ी मेरी दुश्मनी जहाँ है, कमबख्त ये अबरू किसी सौकन की तरह है, ये मूछे उड़ा दो, सिंगार करो मुझको, कुछ सुरमा लगा दो, छे से मेरे होंठ बना कर, इस बेटू के चेहरे को बना अच्छा सा एक मुंह, मुझे दुल्हन बनना है बुढ़िया, दुल्हन। वाह 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 वाह, खुदा ना करे बेटा। जनाब इब्ने मुती, आप तो कूफे के साहिब इख्तदार अमीर है, बड़ी कबाहत आमेज बात है बेटा। कम से कम खलीफा की इज्जत का ख्याल कर लीजिए, अगर इन्हें पता चलेगा कि उनका अमीर कूफे में दुल्हन बन गया है, शर्म से पानी पानी हो जाएगा, जमीन में समा जाएगा शर्म से। मुख्तार मेरा सर कलम करके फेंक दे, वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी तरह सवार दो तो खलीफा पसंद करेगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। वाह भाई बुढ़िया वाह, खैर हो तेरा इंशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह, दुल्हन बन गई माशाल्लाह। अरे ओ बुढ़िया, सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो, चिल्ला क्यों रहे हो बुड्ढे, जानते हो मैं कितना डर गई हूँ। अरे ओ बुढ़िया करीब आओ, मुझ पर ऐसी नजर उठा रहे हो, मैं कोई बेवा तो नहीं हूँ, मेरा शौहर अभी जिंदा है, इससे ज्यादा करीब आऊंगी तो गुनाह होगा। बिनका मित्र, जी अमीर, इन लोगों से कहो अपने तमाशों में गंदगी से परहेज करें। जी अमीर। और हाँ, जल्द अज जल्द शुरतों सिपाहियों को मुनज़्ज़म तौर पर आमादा कीजिए, कूफा में अब हर फैसला कानून के हाथों होगा, आज के बाद कोई कबीला अपनी मनमानी से कोई कदम नहीं उठाएगा, अब तमाम मुजरिमों को कानून उनके हर गुनाह की सजा देगा, लोग नहीं, हत्ता के खालिफों से बदतमीजी गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा मना। किस सोच में पड़े हो सरदार? मेरी गाय ने 7 बच्चे दिए हैं क्या? बहुत अच्छे।
तुम तो पूरे रेवड़ के मालिक बन गए। जी नहीं, अमीर मुझसे कूफे में नज़्म ज़ब्त मांगते हैं। तो तुम तो कूफे के नाज़िम बन गए। नया ओहदा मुबारक हो। अगर शुरते सिपाही चाहिए हो तो हमें मत भूलना। एक कमर तोड़ जिम्मेदारी है क्यान, मजाक नहीं है। मतलब तुम बिन हुरैस या बिन मुजारब से कमतर हो बिन कामिल? हालात बदल गए हैं क्यान, सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। कोई सिपाही नहीं जिसकी मदद से शहर को संभाल सकूं। सबके सब भाग गए हैं। भाग गए? कहां गए होंगे भाई? इन्हीं लोगों के दरमियान होंगे ना। इनके कुछ बड़ों को बुलाकर उनका एतमाद जीतना ही काफी होगा। सब अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। जायदा इब्ने कुदामा से मशवरा करो, वो सबको अच्छी तरह जानता है। हमारे तमाम मुखालिफिन को अमान है, बशर्ते कि हमारे खिलाफ तलवार न उठाएं। हर किसी के अकीदे उनके लिए मोहतरम हैं। अगर कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उससे निमटने के लिए कानून और शरीयत मुकद्दस है। जो लोग हमसे बैत करने को मोहतरम समझते हैं वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके हुकूक का दिफा करने के जिम्मेदार हैं। माफी चाहता हूं अमीर, आपके बहुत से तरफदार कूफे के इज्जतदार और शरीफ अरबों को जान और माल लूटने की धमकी देते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि सब इंतकाम लेने के फिक्र में हैं। बहुत से अजम हजरात जो पहले अरब के शरीफों के गुलाम और नौकर हुआ करते थे, वो अपने आकाओं से बदतमीजी करने और गुस्ताखी करने लगे हैं। अगर ये दावा ठीक निकला तो इसके सरगना लोगों को शदीद तरीन सजा सुनाऊंगा। अगर किसी का कोई हक जाया हुआ है तो वो अदालत में शिकायत करे। वो बरहक हुआ तो कानून उसे उसके हुकूक दिलाएगा। कौन सी अदालत अमीर? फिलहाल न तो कोई अदालत मौजूद है, न कोई काजी कुर्सी पर है और न कोई कानून जारी है। जरा सब्र से काम लीजिए, हमने अभी मामलात की बागडोर संभाली है, मौजजा तो नहीं कर सकते। अभी सुन लीजिए, ये हैं अहकामात। सुनाओ कातिब, अहकामात सुनाओ ताकि कानून नाफिज करने वाले अभी से काम शुरू कर दें। मदरजा ज़ेल अफराद बहुक्म अमीर मुख्तार लश्कर के साहिब मनसब हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि जल्द अज जल्द अपने मातहत अफराद को मुतायजन कर लें और जुज़ई और मजमुई तौर पर अपने नायबीन को मुकर्रर कर लें और नज्म ज़ब्त और कानून को हुकूमत अमीर मुख्तार में राइज करें। इनके नाम और मनसब ये हैं: इब्राहिम इब्ने मालिक अस्तरे नखई, लश्कर के सिपह सालार अब्दुल्ला इब्ने कामिले शाकरी, कूफे का नाज़िम और फौज खुदा के जिम्मेदार कियान ईरानी, जिनका लकब किसान अबू उमरा है, खुफिया फौजों का सरदार साइदा इब्ने कुद्दामा, कूफे के कैद खाने का दारोगा। कुर्सी कजावत के बारे में पहले की तरह काजी शुरह कूफे का सबसे बड़ा काजी होगा। काजी शुरह के बारे में भी सुन लीजिए कि उन्होंने बीमारी और बुढ़ापे को अदालत के कामों में खलल जानते हुए साथ देने से इनकार कर दिया है। लिहाजा उनसे दरख्वास्त की कि जब तक हमें कोई मुनसिफ और शरीयत के मसाइल पर उबूर रखने वाला काजी न मिल जाए, जहमत कबूल करें। आगे पढ़ो। दारुल हुकूमत के तमाम साहिबान मनसब, जिसमें खादिम नौकर चाकर और नायबीन, पहले की तरह अपने मकाम और मनसब पर रखे जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मातहत अफराद के नाम और उसके अलावा हुकूमती अखराजात, सहूलतें और जायदादों की तफसील पूरी वजाहत के साथ हमारे हवाले करें। तमाम ओहदेदार इन अहकामात पर फौरी अमल करें। और तुम उबैदा,
शिया अकायद का सालों से कूफा में कोई पुरसाने हाल नहीं। जंगी लिबास उतारो, दर्स की महफिलें मुनक्किद करो और शिया अकायद को फैलाओ। जी अमीर। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक सही रवैया है? क्या कह सकता हूँ बिन शुरेत, मैं सियासत से बिल्कुल भी आशना नहीं हूँ। आशनाई की जरूरत नहीं है, काजी शुरे की असलियत छुपी हुई नहीं है। उसने उजदुमे उदी और उसके साथियों के किस्से में उनको मारने की राय दी थी और हानि के वाकये में उसने अमानतदारी भी नहीं दिखाई। मुख्तार की हुकूमत और इब्ने मरजाना की हुकूमत में क्या फर्क रह गया जब उनका शरई काजी एक ही है। हमें महल में वापस लौट जाना चाहिए। सुनो मत अयास, सर नीचे करो और चलते रहो, उन्हें मत देखो जैसे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं इस जालिम को जानता हूँ, खुदा की कसम वो सितमगढ़ों के बड़ों में से है। इसे जाने मत देना, इसे मारना सवाब का काम है। कि एक इंसान को बेगुनाह मार डाला, तुम लोगों में और उनमें फर्क क्या रहा जो पहले तुम्हारे साथ यही हरकत किया करते थे? अरे ओ अबू उमरा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। क्या तुम लोग भूल गए हमने किस लिए कायम किया है? ये मलून उस चुंग की मानी था जो हमारा खून चूसता था। तुम कानून बनाने वाले हो जो हुकुम दे रहे हो। कानून मैं हूँ, मैं कानून यह है जो अपने अकेले के जुर्म में सालों तक सजा काटता रहा है। कानून ये है, कानून ये है, कानून। खुदा की कसम, उस्ताद जरा भी टेढ़ा होना चाहे या फसादियों की हिमायत करने लगे और उनका साथ देने लगे तो अरब की टेढ़ी तलवारों से उसे सीधा कर देंगे। शौकी नहीं, अगर यही होना है कि हुकूमत मुख्तार में खून नाहक इस तरह बहे तो इस हुकूमत का कासा ही पलट दूंगा। बखुदा कसम, अगर मौला अली की हुकूमत में कोई ऐसा वाकया पेश आता तो मनमानी करने वालों की खाल उधेड़ देते। क्या
मंजर और उसके बेटे के कातिल मुजरिम हैं। सबको कैद कर लो। जी अमीर। हमारे दरमियान कुछ और तय हुआ था। क्या तय पाया था रुफा? तुमने कयाम के मकासद को सियासी मसलतों के नजर कर दिया अबू इसहाक। बज़ाहिर हुकूमत की मिठास ने आपको बहुत मजा दे दिया। जिस ग्रोह को कैद करने का हुक्म तुमने दिया है वो सब के सब ऐसे लोग हैं कि अली की मोहब्बत के जुर्म में उनके बदन में एक जगह भी सलामत नहीं रही। उन लोगों ने उस कुत्ते और कुत्ते के बच्चे को मारा है, जिनका अगरचे करबला में कोई दखल नहीं था मगर उन्होंने मौला अली के मुरीदों पर कोई कम जुल्म भी नहीं ढाए हैं। क्या बात है अबू इसहाक, अदल और इंसाफ का प्रचार करने के सिलसिले में इतना परेशान है? अगर हर किसी को अपनी राय के मुताबिक तलवार चलानी है और अपने ही फतवे पर अमल करना है तो इस तरह की हुकूमत के कोई मानी ही नहीं है। ये कैसा फलसफा है तुम लोगों का? ये तुम लोग हो जो अपने फलसफे के साथ हुसैन के दागदारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। आप लोगों ने कातलाने हुसैन के किसास के वादे पर कायम किया, इन लोगों से इंतकाम लेने का वादा किया, तो फिर क्या हुआ? कातलाने हुसैन हमारी नजरों के सामने शराब पी रहे हैं और हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर होगी। हम सियासत के साथ काम करना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है जो इन लोगों के मुकद्दस गुस्से की आग पर पानी डालकर उसे बुझा देना चाहती है? क्या आप डरते हैं कि आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाए? अगर आपने हुकूमत पाने के लिए कयाम किया है जिसकी वजह से लकड़ी के सहारे चलना चाहते हैं तो हमारा कोई ऐसा अवसर नहीं है। बिन शद्दाद, मैं नहीं चाहता कि शियों के कयाम को बचकाना फैसलों और इस तरह की जल्दबाजियों से जाया कर दूं। शियों ने आप जैसों के गैर संजीदा फतवों की वजह से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। कभी अपने दौर की जरूरतों को समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मैं ये कहूं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खून तुम जैसों के सर पर है तो गलत ना होगा। कभी भी अदालत के रास्ते पर नहीं चले तुम लोग, ना ऐनुल वर्दा में, ना करबला में और ना ही आज। हमेशा या तो अफराद किया है या तफरीद। अगर अपने आप को अली का शिया जानते हैं और अगर चाहते हैं कि अली के असहाब की हुकूमत बाद 30 साल शिकस्त और तकलीफों के बाद कोई नतीजा दे, जाइए और अपने आप और अपने खुदा के साथ तन्हाई में बैठिए और जिस काम के बारे में पता नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो और अपने ये 2 टके के फतवे मत दो। क्या आप लोग इस शख्स के अकाइद से मुवाफिक हैं? तो ठीक है, मैं आप लोगों के गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। अगर मुख्तार कयाम से पहले ही नाकायद का इजहार कर देता तो मैं उसकी बैत का गुनाह अपने सर न लेता। खुदाया माफ करना, मुझे माफ फरमा। अब जबकि मैं उसकी दिली ख्वाहिश जान चुका हूं, अब भी उसकी बैत ना तोड़ूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा। रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथी न थे, कहां चले? मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं, ऐनुल वर्दा के बयाबान में। मैं सुलेमान की कब्र की मिट्टी पर तयम्मुम करने जा रहा हूं ताकि जो हाथ मुख्तार की बैत में नजस किया है उसे पाक कर सकूं। इस्तिग़फ़ार करो रुफा, तुम्हारा और मुख्तार का मिजाज नहीं मिलता, एक दूसरे को नापाकी का इल्जाम क्यों देते हो? तुम उसके हामी हो क्योंकि उसने कयाम के माल गनीमत में से तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिया है। अपने आप पर रहम नहीं खाते तो अपने मरहूम बाप मालिक की इज्जत पर रहम खाओ। हमने अमीर और वजीर और सिपाही सालार बनने के लिए कयाम नहीं किया था। जब तक कातिलान हुसैन का किसास न हो जाए
ये कयाम मेरी नजर में कामयाब नहीं हुआ है, लगाम छोड़ दो। मत करो शबस, बेटे मुख्तार, बेटे मुख्तार, मुख्तार ने अब तक 100 मरतबा कुर्बानी से वो हाथ पाक किया होगा जिससे तुम्हारी बैत ली है। भेड़िए के खतरे से डरने के बजाय पुरसुकून हो गया है। अगर अगर मुख्तार ने तुमसे ली हुई बैत न तोड़ी और तुम्हें सूली पर न चढ़ाया तो मैं अपनी इन मूंछों को जला दूंगा। तुम इस चूहे की दुम को मूछें कह रहे हो? ये जुए और अय्याशी के बचे हुए सरमाए की शर्त क्यों लगा रहे हो? वो ऐसी शर्त लगाओ जो समझ में तो आए। तुम्हारे वालिद के नाम को अपनी वालदा के नाम से जोड़ दो तो ठीक रहेगा। शबस, हल्के हो जाओ। सनान अपनी तमाम तर सादगी के साथ भी समझ चुका है कि तुमने मुख्तार की बैत करके अच्छा नहीं किया। उसकी बैत चूल्हे भाड़ में जाए शेमर, बेचारा मजबूर था जब कुछ नजासत खाली, मगर ये जो इसने मुख्तार की अमान पर यकीन कर लिया इस पर मेरा खून खोल रहा है। शेमर, क्या तुम लोगों पर ये नौबत आ गई है कि इस नाकिस अल-अक्ल की बातों को अपनी हुज्जत समझते हो? गुफे के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं कि मैं उमर साद के लश्कर में था और हुसैन से जंग की है मैंने। अगर मुख्तार इंतकाम के चक्कर में होता तो कभी मुझ जैसों से बैत लेकर खुद को बदनाम न करता। क्या तुम लोग बहरे थे जो रफाहा की इन्हीं बातों पर मुख्तार से होने वाली अलहदगी की खबर नहीं सुनी? तुमसे बैत लेना सिर्फ चाले जंगली ऊंट। शबाश, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मुख्तार हम जैसों की बैत को मोहतरम जानेगा? फिलहाल तो मोहतरम जाना है। उमरे साथ को लिखा हुआ अमाननामा दिया है। ये सब सियासत के पैतरे हैं। क्या भूल गए कि बिन यजीद ने इस झूठे को कसम दी थी कि आले जुबैर के खिलाफ साजिश ना करे? कुरान पर हाथ रख के कसम खाई, मगर जैसे ही आजाद हुआ उसने कसम तोड़ दी। ये खसलते मुख्तार है। जहां वो अपने दुश्मन को धोखा देने पर मजबूर होता है तो सर पर बिठा लेता है, मगर जहां उसकी मजबूरी खत्म वादे वही तोड़ देता है। मसलन ने उसे कैसी मजबूरी लाहक थी जो उसने हमारी बैत कबूल कर ली? तुमने हमें पागल समझाया शबस। मुझे कहता है नाकिसुल अक्ल, अगर वाकई तुम ये नहीं जानते कि मुख्तार ने तुम्हारी बैत क्यों कबूल की है तो बहुत बड़े बेवकूफ। आपकी किस्मत अच्छी थी जनाब शायर, अमीर ने आपका आना कबूल कर लिया। आ जाइए। कहां चले बिन हम्माम? वाह वाह वाह, अबू उमरा के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। इतना अली अली किया कि बिलाखिर अपनी दाल रोटी का ठिकाना बनवा ही लिया। मैंने सुन रखा था कि अबू तुराब के मौजजात में से एक ये है, अगर हकीर उससे तवस्सुल करें तो बाइज्जत हो जाते हैं। आज तक मुझे यकीन नहीं आता था, मगर आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अली की कत्लगाह में नौकर और गुलाम पेशा अली के नाम से सरवरी कर रहे हैं। बातें मत घुमाओ, मैंने पूछा कहां चले? ज़ियारत करने जा रहा हूं अबू इसहाक की। अली के साथियों के दारुल हुकूमत का दरवाजा सिवाय शयातीन के सब पर खुला है, इससे पहले कि तुम्हारा नजस खून बहादुर लौट जाओ। लेकिन अगर मुख्तार हमें देखना चाहे तो? जब तक मैं ना चाहूं मुख्तार किसी को नहीं देखता। निकल जाओ।
तो फिर मुबालगा नहीं है कि कूफे वाले अबू उमरा का नाम सुनकर कांप कर रह जाते हैं। फिर तो हक बनता है कि मर्द हजरात तुम और तुम्हारे खुफिया आदमियों के डर से बिस्तर में भी राज को अपनी जबान पर नहीं ला सकते। क्या कर रहे हो अबू उमरा? अली ने कब तुम लोगों की रविश पर हुकूमत की है? अली इंसानों पर हुकूमत करते थे, तुम जैसे शयातीन पर नहीं। क्या हुआ बिन कामिल? कोई फायदा नहीं ज्ञान। क्या मतलब? मतलब यह कि अमीर फिलहाल बिन मुद्दी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मैंने 3 बार तुम्हारी इस खबर को दोहराया, अमीर ने 3 दफा अनसुनी कर दी। तुम अभी तक यहीं हो मलून? चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं। क्या ये बिन हमाम शायद तो नहीं? हाँ, खुदा का शुक्र है हमने मुख्तार के महल में एक अरब तो देखा जिसने अपनी कौम के फखर को पहचान लिया। तुम्हारा ये अजम दोस्त मेरी जबान नहीं समझता। बिन कामिल, इसे बता दो कि अरब का शेर अरब की तलवार से ज्यादा काटने वाला है। आखिर तुमने भी तो उससे हमेशा ताजियानों की जबान में बात की है, क्योंकि वो अली का मुरीद था। तुम्हें याद नहीं कितनी बार तुमने उसे ताजियाने मारे हैं? इस इबलीस से बात करना बेकार है बिन कामिल, उससे आसत में माहिर है, इससे सिर्फ तलवार की जबान में बात करनी चाहिए। दफा हो जाओ। मैं जब तक मुख्तार को ना देख लूं यहां से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, अभी तो मैं दिखाता हूं कि जो कुछ अबू उमरा के बारे में सुना है वो कहानी नहीं थी। इधर आओ। नहीं नहीं ज्ञान, इससे न उलझो। बिला शक अगर अमीर को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अबू इसहाक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ज्ञान बोलो, तुमने मुझे क्यों कहा कि बिन मुद्दी की खबर अमीर को दूं? तुमने इतनी मेहनत करके उनके ठिकाने का पता लगाया तो आखिर खुद क्यों ले गया बताने के लिए? क्योंकि मैं अजम हूं और तुम अरब हो। क्योंकि बिन मुती अशराफ अरब में से, अगर मैं खबर पहुंचाता तो कुछ लोग फौरन अरब और अजम के बुग़्ज़ को उस्मान का कुर्ता बना देते। पता नहीं अबू इसहाक क्यों इतना बदल गया है। रात कयाम की रात और मुख्तार कूफे की छतों से आग उठने लगी और या लसारात अल हुसैन के नारे ने कूफे को हिला के रख दिया। गोया कयामत की घड़ी थी और मिज़दाक़े इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। कबीलाए मिज़द से एक ऐसा बहादुर जवान जिसका सीना सिपर था और दिल दरिया की मानिंद था, जो खलीलुल्ला का हम नाम था, मुख्तार से जा मिला। इब्राहिम उस सरदार का बेटा था जिसकी बहादुरी के किस्से मेरी माँ की लोरियां थी और दुल्हनों का तराना था। और वो ऐसा लड़ा कि सबको ये लगने लगा कि जैसे मालिक अश्तर अर्श से जमीन पर आ गया है। कबीले असद से एक और शेर गुर्राया और यजीद इब्ने अनस ने रकाब में पांव रखा और अपनी कौम के जवानों के साथ किसी जोश मारते हुए सैलाब की तरह दुश्मन पर हमला आवर हो गया। दुश्मन की तादाद सर के बालों की जैसी थी और मैंने आमर बिन शुमैत को देखा कि दुश्मन पर इस तरह तलवार चला रहा था कि गोया सरों के बाल उड़ा रहा था। रात अबू तुराब के साथियों की रात थी और अली उस रात दोबारा मसनदी अदालत पर बैठ गए। बिन हमाम ने आपकी और आपके क्याम की हिमायत की है।
ये सिले का मुस्तहक है। बिन हमाम रुको, मैं अभी आता हूं। बिन हमाम, एक अरबी घोड़ा और एक कीमती जुब्बा मेरी तरफ से आपके लिए। बिन हमाम एक बड़ा शायर है, वो कई बार अपने अशार से हमें डस चुका है। अगर उसका ये तौबा नामा खुलूस से भरपूर है और उसने खुदा की रजा के लिए अशार कहे हैं तो खुदा उसे जजाए खैर दे। और अगर हमारे सिले की लालच में शायरी की है तो मेरे पास कुछ नहीं है, मुख्तसरन ये कि जो थोड़ा बहुत माल था वो मैंने अपने लड़ाकू जरूरतमंद भाइयों को बख्श दिया। जो किसी सिले के लिए शायरी करता है उसके लिए बेहतर यह है कि सहरा के पत्थर चबाए। इस कलाम की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जबकि उसने एक डरपोक लोमड़ी बिन शुमैद को एक शेर बना दिया मैदान में गुर्राने वाले। तेरे नजस मुंह में खाक बिन हम्माम। शीरे बिन शुमैद, ये खुद फरोश शायर की जबान से कई ज्यादा तेज है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नमक हराम। बिन हम्माम मेरी हिमायत में, ये शराफत और मर्दानगी के खिलाफ है। शायर ने आप लोगों की तारीफ की है, आप लोग उसकी तोहीन कर रहे हैं। उसे सिला नहीं देते तो मत दीजिए, उसे पत्थर क्यों मार रहे हैं? बज़ाहिर मेरे और तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है कि हमेशा तुम कैद खाने के दारोगा रहो और मैं कैदी। अभी भी यही हो रहा है, मैं वही कैदी हूं जिसका छोटा सा कैद खाना इतना बड़ा महल बन गया। मगर गौर से देखो तो सारी दुनिया कैद खाना है। क्या तुम्हें यकीन आएगा कि मुझे इस महल में वही कैद खाने के दिनों का सा एहसास होता है? मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ पांव इस कदर बन जाएंगे। तुम मेरी जगह होते तो मेरे दर्द को समझते। तुम्हारी नजर में मसले की जड़ कहां है? मसले की जड़ दोस्तों की नादानी है। नादान खुद हैं मगर साजिश का इल्जाम मुझे दे रहे हैं। तोहमत लगाते हैं कि मुझे ताकत का मजा लग गया है। मेरा जोश ठंडा हो गया है। सियासत के मैदान में मैंने जो जख्म उठाए हैं, काश ये खराश भी उस ग्रोह को लग जाती ताकि इस कदर गलत फहमियों में न पड़े। हर हुकूमत की शुरुआत में ये बातें बहुत आती हैं। अकलमंद वही है जो सुनी अनसुनी कर दे। तुम अपना काम करो बुईसाक। दोस्तों की गजफहमी बहुत बुरी आफत होती है जायदा। मुझे डर है कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन नाफहम दोस्तों के हाथों पूरा हो जाएगा। माफ कीजिएगा भाई, बहुत मायूब है कि मैं मुख्तार की नसीहत करना चाहूं। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर उसमें ईमान है तो आफतों से मत घबराओ। ईमान की आफत सिर्फ शैतान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। ज़ाहिरा हुक्म कीजिए। बहुत आम काम के लिए बुलाया है मैंने तुम्हें। कोई जानी खतरा तो नहीं? नहीं, ऐसा खतरा नहीं।
मुझे पता है कि तुम अब तक जिंदा और दुनिया से दिल लगाए हुए हो। मुझे लिहाज करना कतई नहीं आता और अपनी जान भी प्यारी है। अगर तुम्हारी ये एकामात मेरी जान को खतरे में ना डाले तो सराख पर, लेकिन अगर मेरे खून का एक कतरा भी बहने का इम्कान है तो माफी चाहता हूं। वाकई तुम बहुत सच्चे हो। आप हुक्म तो फरमाए चचाजाद भाई। तुम्हें बिन मुती के पास जाना होगा। बजाहिर वो अबू मूसा अशारी के घर में छुपा हुआ है। ये रकम उसे दे दो और उसे कहो कि उसके छुपने की जगह का राज फाश हो गया है। उसे जल्द से जल्द कूफे से चले जाना होगा, वरना हो सकता है कि किसी भी वक्त रुफाहा और उसके साथियों जैसे दीवाने वहां पहुंचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर कूफा से निकलने में मदद मांगे तो उसकी मदद कर देना। जब तुम्हारे बेखतर अहकाम ऐसे हैं तो फिर तुम्हारे खतरनाक अहकाम कैसे होंगे? तुम बिन मुती की मदद क्यों करना चाहते हो मुख्तार? तुम्हारे दोस्त समझ जाएं तो तुम्हें छोड़ देंगे। किसी फर्द को भी पता नहीं चलना चाहिए जायदा, इसीलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये एक राज है मेरे, तुम्हारे और खुदा के दरमियान। आखिर बिन मुती की जान तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों हो गई है? अगर बिन मुती यहां मारा जाए तो जुबैर के बेटे को उकसाया जाएगा कि इराक की सरहदों पर हमला कर दे, और तुम्हें पता है कि हमें अनकरीब मजबूरन मरवानियों से जंग लड़नी पड़ेगी। मगर अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि पयक वक्त जुबैरियों और मरवानियों दोनों से लड़ सकें। इसके अलावा मोहम्मद हनफिया मक्का में है। अगर बिन मुती कूफा में मारा जाए तो जुबैर का बेटा उसके खून के किसास में सैयद की जान के पीछे पड़ जाएगा, और अगर सैयद उसके दबाव में मसलहतन हमारी हिमायत से पीछे हट जाते हैं तो क़याम की मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। जाओ जायदा, जाओ, और इससे पहले कि ये लोग समझ जाएं कि बिन मुती कहाँ है उसे यहाँ से भगा दो और मामले को मिट्टी तक दबा दो। फिर तो खतरा लेना अच्छा लगेगा। मुख्तार की बहुत सी कामयाबियां उसके चचाजाद भाई जायदा के मरहूने मिन्नत हैं। तुमने हमेशा मेरी हिमायत में खतरा मोल लिया है। इसके बदले में बहुत अच्छा सिला पाया है। तुम इस जिंदान बांध के वजह से थके नहीं? जब तक मुख्तार का दरोगा हूं नहीं। इजाजत चाहता हूं। खुश रहो। في امان الله. مختار نے کسی غیرت مند اور شریف سردار کی طرح جنگی اصولوں کا خیال رکھا۔ اگر میں بدلہ نہ دوں तो नमक हराम ही होगी। उससे कहो जहां तक मेरी तलवार की धार चलेगी वहां तक मैं उसका और उसके कयाम का हिजाज में दिफा करूंगा। मुख्तार को जो कुछ मिला है वो उसके वाकयन लायक है। जल्दी कीजिए शेख, मुख्तार के कुछ दोस्त बहुत जज्बाती हैं। अबू इसहाक ने अब तक उन्हें रोक रखा है। यकीनन आपने मुंजिर इब्ने हसान और उसके बेटे हय्यान की मौत की खबर सुनी होगी। अगरचे अबू इसहाक ने उनके कातिलों को कैद कर लिया है मगर मुंजिर और उसका बेटा जिंदा नहीं हुए। जायदा, मुझे कूफे से निकलने के लिए मुख्तार की मदद की जरूरत है। आप इरादा कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हूं। मैं कल रात को तैयार हूं। रातों को निकलना मशकूक होगा। अब उम्रा के जासूस रातों को दिनों से ज्यादा होशियार होते हैं। हम लोग सुबह क्यों ना निकले? जैसा आपको ठीक लगे। عرض عبدالرحمن ابن سعید ابن قیس، جناب امیر مختار کے لیے
अम्मा बाद इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ सरजमीन मुसल में पड़ाव डाला है। मैं आपका हुक्म आने तक तकरीब की जानिब चला आया हूं और आपके जवाब का मुंतजिर हूं। फरमा रहा भाई मुसल को लिखो कि तकरीब में रहो और वहां से बाहर ना निकलना जब तक कि हमारा लश्कर तुम्हारे पास ना पहुंच जाए, और साथ ही सिपहसालार लश्कर को खबर दीजिए कि मेरे पास हाजिर हूं। बज़ाहिर इब्ने मरजाना को मरने की बहुत जल्दी है। मैं अभी तक कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन नहीं हूँ। बिला तकल्लुफ इब्राहिम, जब तक तुम कूफे में हो मुखालफीन में हंगामा आ रहा है कि हिम्मत नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद कूफे में ही रहो और अपनी जगह किसी और को इब्ने ज़ियाद से लड़ने के लिए भेज दो। मेरी आरजू थी कि इब्ने मरजाना को मारना मुझे नसीब हो, लेकिन आपकी मसलहत में मेरा कूफे में रहना बेहतर है तो मैं रुक जाता हूँ। तुमने मुझ पर भरोसा किया उसका बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर में इस हसास काम के लिए कौन मुनासिब है? यजीद इब्न अनस। तो फिर वक्त जाए के बगैर हुक्म दो कि बिन अनस आधे लश्कर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। बिन अनस, मैंने सुना है कि इब्ने ज़ियाद का लश्कर 40,000 से ज्यादा है, क्या यह बेहतर नहीं था कि तुम 3,000 से ज्यादा अफराद ले जाते? आप इन 3,000 को 30,000 जानी अमीर, मैंने इनमें से एक एक को खुद लड़ना सिखाया है। मेरे सिपाहियों में से एक एक फौजी शामियों की एक फौज की टक्कर दी। खुदा ने चाहा तो मरजाना के बेटे का सर अमीर के लिए लेकर आऊंगा। खुदा पर तवक्कुल कीजिए और उसकी जैतून और चश्मों की सरजमीन की तरफ निकल पड़िए। जैसे ही दुश्मन से जा मिलो उसे बिल्कुल मोहलत मत देना। अपनी खबरें लम्हा ब लम्हा मुझे लिखते रहना। हम भी भरपूर अंदाज में नई फौजें आपकी मदद के लिए भेजते रहेंगे। अगर मेरे हाथ पांव बंधे ना होंगे तो मुझे मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मुसल के फरमानवा को लिखा है कि वो तुम्हारे हुक्म पर चले। बिन अनस, तुम हर हवाले से मुकम्मल इख्तियार रखते हो, सब बगैर चूं चला के तुम्हारे हुक्म के ताबेदार रहेंगे। बिन अनस, नई फौजों की मदद को रद्द मत करना चाहे तुम्हें उनकी जरूरत ना हो। ये अमल दुश्मन के ऊपर जहनी दबाव डालने और सिपाहियों की ढारस के लिए बेहतरीन होगा। मैं चाहता था कि आपको परेशानी ना हो। मरहबा बिन अनस, मरहबा। इस आली अजम के साथ तो मुझे यकीन है कि तुम लोग कामयाब होंगे। खुदा की कसम, अगर दुश्मन से मुकाबले पर जीत ना सका तो कम से कम शहादत को हाथ से जाने नहीं दूंगा।